क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है कि सिर्फ 4x + 1/5x = 8, और जब जो फाइंड करना है वहां देखते हैं तो वहां भी सिर्फ स्क्वायर का टर्म है, यहां प्लस है तो वहां भी प्लस ही है। तो अब यहां से आप स्क्वायर का टर्म है जिसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बार-बार फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से आप डायरेक्ट लिखिए 16x² + 1y = 25x² = आपको जो फाइंड करना है वो तो आप लिख लिया है, अब वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू का डायरेक्ट आप स्क्वायर कर लीजिए और इसमें से हमेशा आप घटाते हैं 2ab, तो 2ab का वैल्यू डाल दीजिए, 2 into a का वैल्यू आपका है 4x into b का है 1/5x। अब यहां से कैलकुलेशन इसका कर लीजिए तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से x वाले कैंसिल हो जाएगा आपका और यह आपका वैल्यू आ जाएगा 8/5। तो यहां से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 64 माइनस 8 में अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा यह आपका आ जाएगा 1.6। अब जब 64 से 1.6 सबट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्ट आप 2 सबट्रैक्ट कीजिए और जितना ज्यादा सबट्रैक्ट किए हो उतना जो है उसमें से फिर जो है ऐड कर दीजिए। तो अब यहां से 64 में से अगर 2 करते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका 62 और 0.4 जो है आप ज्यादा सबट्रैक्ट कर लिए थे इसीलिए 0.4 जो है ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 62.4। ठीक है, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको स्क्वायर का टर्म ही है लेकिन पहले से आपको प्लस दिया रहता था, प्लस ज्ञात करना था, अब यहां माइनस दिया हुआ है आपको प्लस ज्ञात करना है, यानी यहां पे आप जो है फार्मूला जो आपका आया है वह a - b का आया है। तो सबसे पहले फार्मूला आप जान लीजिए a - b का होता क्या है, a - b² = a² + b² - 2 (a)(a)(b). तो अब इस फार्मूला पे अगर इसको सेटिंग करते हैं तो आप इसको डायरेक्ट जो फाइंड करना है उसके इक्वल टू में अगर लिखना चाहते हैं, यानी आपको फाइंड करना है a² + b², तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a - b² और यह -2ab जो है आपका राइट साइड में है, पूरा राइट साइड को ही हम चेंज कर रहे हैं, तो जब साइड इसका चेंज हो जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा +2ab। तो अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको फाइंड जो करना है वह x4 + 1/x² = क्या होगा। तो अब यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x4 + 1/x² = x²-1/x² = 2 × 1/x² × x². ठीक है, पहले हम b को लिख दिए हैं, दोनों मल्टीप्लाई में आप a या b पहले कोई भी लिख सकते हैं। तो अब जो वैल्यू आपको दिया हुआ है x²-1/x² आपका वैल्यू दिया हुआ है वह है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस यहां से आपका x² से x² कैंसिल हो जाएगा था आपका बच गया 2, तो 4 का स्क्वायर 16 + 2 = 18।